ठीक है, तो सिक्किम आज का स्टेट है। स्टार्टिंग विद सम की फैक्ट्स, तो इट वाज फर्स्ट एंड ओनली स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड ओनली एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने आर्टिकल में अमेंडमेंट किया था स्केड्यूल के अंदर, 2A लेके आए थे इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए। बाद में फिर जब ये फुल स्टेट बन गया तो इसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। इट गेन्ड फुल स्टेटहुड बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर आर्टिकल 371 है जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है बहुत सारे स्टेट्स को, तो उसमें ये भी लोकेटेड है। और 371F के अंदर इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में से लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया के अंदर। देन ऑल्सो सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक स्टेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी फार्मर्स वेलफेयर। तो बेसिकली पता है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होता है उसके अंदर जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड होते हैं वो यूज नहीं होते। ठीक है, ऑर्गेनिक उसके लिए रखते सिर्फ हैं, मैन्योर यूज होता है। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है ना वो वही यूज करके उसका फर्टिलाइजर बनाते हैं, वो डालते हैं। फिर कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है इंडिया के अंदर एंड थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और थोड़ा सा ये याद रखना आफ्टर K2 है ये। K2 को भी मतलब इंडिया का पार्ट ही डिस्कस कर मतलब कहते हैं, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो POK में लाई करता है। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात आए तो वैसे हम उसको मतलब सेकेंड K2 ही रहेगा। अगर इंडिया का बात रहेगा तो K2 फर्स्ट हो सकता है, कई जगह सेकंड मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंचनजंगा की वो बात करा होगा एक्सक्लूडिंग K2। फिर कवर 0.2% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बट हैज 26% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल है इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से अगर बात करें तो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विद यूनेस्को MGIEP फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन प्राइमरी टेक्स्ट बुक। ठीक है, जो SDG गोल है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसके लिए यूनेस्को के साथ पार्टिसिपेट किया है। तो ये था। और फिर चोलामू लेक इज द हाईएस्ट लेक इन द कंट्री एंड सिक्स्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता, बाउंड्रीज देख लो। तो केवल एक ही इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, और तीन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो तीन कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल, चाइना एंड भूटान। ठीक है, तो आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर अगर किसी स्टेट के हैं तो वो सिक्किम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रियली फीचर देख लो, तो लेसर हिमालय कंप्राइजेज ऑफ द मोस्ट रेजिडेंशियल एरियाज एंड देन शिवालिक्स आर एब्सेंट इन तीस्ता वैली। शिवालिक्स आर ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स एक्सेप्ट फॉर अ गैप विच इज ऑक्यूपाइड बाय तीस्ता एंड राडेक रिवर। तो तीस्ता जो रिवर है वो एक्चुअली यहीं से फ्लो करती है, भी आगे हम देखेंगे सिक्किम के थ्रू फ्लो करती है एकदम मिडिल में से। एंड उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पर एग्जैक्टली एक ब्रेक करके जा रही है। ठीक है, तो हमने वो आइडिया देखा था ना एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर्स आर मोस्टली एंटीसीडेंट रिवर। वो जो शिवालिक अगर उनके रास्ते में पड़ रहा था तो शिवालिक को काट के उनमें से निकल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो एंटीसीडेंट रिवर कहलाती है, जितनी भी हिमालयन रिवर्स होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हिल रेंजेस देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे आप देखोगे सिंगालीला रेंज बोलते हैं इसको, एंड इट सेपरेट सिक्किम फ्रॉम नेपाल इन द वेस्ट। एंड दूसरा है डोंगिका रेंज। डोंगिका रेंज बेसिकली बॉर्डर करता है विद द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जो कि पेना के अंडर है। तो ये ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे बाउंड्री बनता है
नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं यहाँ पे, नाथुला एंड जलेपला, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पास है। नाथुला का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही हम लोग मानसरोवर यात्रा में जाते हैं, ठीक है। तो मानसरोवर यात्रा के लिए हमने एक तो उत्तराखंड से जगह देखा था और एक नाथुला पास, दो जगह से रास्ता जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा जलेपला जो है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इट फॉर्म द क्रूशियल लिंक इन द मेन ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत अंटिल द बॉर्डर वॉज क्लोज इन 1962। ये एक मेन ट्रेडिंग रूट रहता था तिब्बत के। अगर कैपिटल की बात करें तो लहासा है, तो लहासा जब जाना होता था तो इसी को यूज करते थे, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड बाय एन ऑल वेदर रोड वाया गैंगटॉक टू दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। तो ये कनेक्टिविटी दे रखी है डिस्पाइट हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करा रखा है। एंड देर आर डिमांड्स टू रीओपन जलेपला टू रन साइड बाय साइड ऑफ नाथुला, ठीक है। अभी बात चल रही है इसको खोलने की। एंड मेन मेचो लेक इज बिलो टू जलेपला, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट लेक है यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये हम बात कर रहे थे वो मानसरोवर यात्रा की। तो मानसरोवर जो है वो बेसिकली तिब्बत जो है उस रीजन में लोकेटेड है और कैलाश रेंज में ये लाया करता है। तो हमने देखा था उत्तराखंड में तीन हमने पासिस पढ़े थे, माना, नीति और लिपू लेक। जो नेपाल के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें भी लिपू लेक का जिक्र आता है। तो लिपू लेक जो है उसके ऊपर हमने तीन एरियाज पढ़े थे, लिपू देख, लिम्पियादुरा एंड इसके अलावा हमने पढ़ा था काला पानी, ठीक है। तो ये तीन रीजन है जिसके ऊपर नेपाल क्लेम कर रहा था, तो इसलिए भी लिपू लेक का इम्पोर्टेंस है। तो लिपू लेक से हम लोग ये मानसरोवर यात्रा एक रास्ता है वहां से, और दूसरा रास्ता सिक्किम के थ्रू नाथुला पास के थ्रू है। तो ये इम्पोर्टेंट आइडिया था इसके पीछे। नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात करें थे ड्रेनेज की, तो यहाँ पे हमने मेजरली रिवर्स की बात करें तो तीस्ता सबसे बड़ी रिवर है इसके अंदर। एंड इट राइजेज इन द ईस्टर्न हिमालयस, फ्लोज थ्रू सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल थ्रू बांग्लादेश एंड एंटर्स द बे ऑफ बंगाल। तो ये था मतलब इंडिया में सिर्फ दो स्टेट से फ्लो करती है और फिर बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो ये तीस्ता रिवर है एंड इसका ट्रिब्यूटरी है एक इम्पॉर्टेंट रंगीत रिवर, ठीक है। ये रंगीत रिवर उसके वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैम्स की बात कर लेते हैं, तो तीस्ता वैली डैम है यहाँ पे तीस्ता रिवर के ऊपर, रंगीत रिवर के ऊपर रंगीत डैम है। एंड देन रंगीत रिवर के थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको जोरेंग थांग डैम मिलेगा। तो ये तीन इम्पोर्टेंट डैम्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक रांगपो एक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता की, और एक रमाम एक ट्रिब्यूटरी है, बट वो काफी माइनर है। तो मेजरली आपको तीस्ता और रंगीत रिवर को ही याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं सॉइल्स की तरफ। तो सॉइल्स मोस्टली यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल है क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, और इसके अलावा यहाँ पे तराई सॉइल है। तो तराई आपको पता ही है, जैसे ही हम लोग माउंटेन से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे एक प्लेन एरिया आता है जहाँ पे जो रिवर है वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है। तो यूजली मार्शी एरिया होता है तराई रीजन, तो दैट्स इट अबाउट इट। तो फॉर मोस्ट पार्ट द लैंड इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज रॉकी प्रेसिपिटेशियस स्लोप, हाउएवर सम हिल स्लोप हैव बीन कन्वर्टेड इन टू टेरेस फार्म्स। तो हमने देखा जहाँ पे भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी के थ्रू फार्मिंग जो है सब्सिस्टेंस लेवल की यहाँ पे की जाती है। और इसके अलावा लाइफ स्टॉक जो है वो काफ़ी मेजर एक कह सकते हैं कि मेजरली प्रैक्टिस होता है। तो हमने यहाँ पे
देखे थे ना, जो ग्रासलैंड होते हैं हायर रीजन्स के अंदर, तो जिन्हें बुग्याल्स कहते हैं, वो वैसे ग्रासलैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये लाइव स्टॉक्स के लिए, स्मॉल लाइव स्टॉक है लाइक भेड़ बकरी, इनके लिए ठीक रहते हैं। तो बुग्याल्स के ऊपर वो जाते हैं, और ऐसी ट्राइब्स जो ये काम परफॉर्म करती है, भूटिया ट्राइब्स, तो उनका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रेनफॉल की बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेट यहाँ पे मोस्टली जिसको बोल सकते हैं नॉर्दर्न हाई रेंजेस के अंदर अल्पाइन कंडीशन रहती है, एंड सदर्न जो पार्ट है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं, जो कि नॉर्दर्न बंगाल तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो रेनफॉल इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट जो सॉरी साउथ वेस्ट मानसून है उससे इसको रेनफॉल रिसीव होता है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रॉप्स की। तो राइस, रागी और बाजरा कुछ कुछ अमाउंट में यहाँ पे उगाया जाता है, बट जैसा कि हमने देखा ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है नहीं बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन, बट जो सब्सटेंशन लेवल का जो फार्मिंग होता है उसमें हाईएस्ट शेयर राइस का है एंड देन रागी और बाजरा। तो बात कर लेते हैं किसी दूसरी क्रॉप की। तो यहाँ पे कार्डमम जो है, कार्डमम मीनिंग इलायची, सो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 80% है। ठीक है, ये एक मेजर यूएसपी कह सकते हैं सिक्किम के लिए, कि इट प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टोटल कार्डमम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मिनरल बेल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एज सच कोई मेजर बेल्ट तो नहीं है मिनरल की, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं लाइक कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, रिपोर्टेड इन भूटान एंड रांगपो एंड दिक्चू इन द ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। तो ये था मिनरल्स के बारे में, कॉपर, लेड, जिंक एंड सिल्वर। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाओ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, एंड जो डैम्स हमने देखे थे उन्हीं डैम्स के ऊपर ये हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हैं। तो यहाँ पे तीस्ता रिवर के ऊपर हमने ये तीस्ता डैम देखा था, फिर रंगीत रिवर के ऊपर रंगीत डैम एंड जोरथांग लूप। तो ये तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज था इसमें। नेक्स्ट ब्रिजेस पे आ जाओ। तो ब्रिजेस में यहाँ पे एक शिंगशोर ब्रिज है, ये फोटो में देख सकते हो, और दिस इज द हाईएस्ट ब्रिज इन सिक्किम एंड सेकंड हाईएस्ट इन एशिया। जो चीचम ब्रिज इन स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश में इज द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज। ये दो इम्पोर्टेंट थे। अभी आई थिंक एक रेलवे ब्रिज बन रहा है कटरा के अंदर, जो माता वैष्णो देवी वाला जो रीजन है जम्मू कश्मीर, तो वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो दैट्स इट इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं रोडवेज के बारे में। तो सिक्किम का कैपिटल पता ही है, गैंगटॉक है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि एयरपोर्ट अभी बहुत रिसेंटली यहाँ पे बना है, इससे पहले एयरपोर्ट था भी नहीं। तो पैकयोंग ये जो प्लेस है गैंगटॉक से थोड़ा सा दूर, वहाँ पे पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ग्रीन फील्ड मतलब कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है उस चीज़ को, एंड दैट इज द 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड द ओनली एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो ये चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बाकी नॉर्थ ईस्ट में कोई एयरपोर्ट होगा तो वो ग्रीन फील्ड नहीं रहेगा? ग्रीन फील्ड तो उसको कहते हैं ना जो स्क्रैच से बनाया रहता है, स्क्रैप से बनाया होता है, मतलब नहीं स्क्रैच मतलब बिल्कुल जो होता यूज ही नहीं, एकदम एकदम नया नया बना। तो बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी तो नया से स्टार्ट किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में और कोई ये है नहीं है क्या, मतलब ये मे भी शायद ना स्क्रैच से तो उड़ान बनाया नहीं है क्या ऐसा? उड़ान उड़ान स्कीम के अंदर बनाया है शायद इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा वो न्यूज में है। बाकी तो आई थिंक शायद है नॉर्थ ईस्ट से इसमें आइडिया नहीं है, मे भी मेरे ख्याल से एयरपोर्ट तो होगा बट कमर्शियल पर्पस के लिए है कि नहीं, मे भी शायद ये इसके लिए कह रहा है कि उड़ान स्कीम से उड़ान स्कीम में बनाया हो, मे भी हो
उस रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ। ठीक है, इसको एक बार इस पैक को कंफर्म कर लेंगे कि बाकी में कोई एयरपोर्ट है कि नहीं है। पहले नहीं था, मतलब एक 2-3 साल पहले तक तो नहीं था कोई एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में। हाँ तो फिर यही पहला होगा और उसके बाद बनाएगा, क्योंकि उड़ान स्कीम में ये अभी जो उड़ान 2.0 ले गए ना उसके अंदर भी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस है, तो मे भी बनाएंगे। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये रहती है कि कमर्शियली वायबल नहीं है बिल्कुल भी, वो थोड़ा सा एक दिक्कत है जिसके कारण ज़्यादा। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो होते थे वो मतलब वेस्ट बंगाल तक जाते थे, कोलकाता तक जाते थे, वहाँ से ट्रेन से जाते थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, गुवाहाटी में है ना एयरपोर्ट, लेकिन गुवाहाटी तो वेस्ट बंगाल में, असम में दूर पड़ेगा ना। जैसे अगर त्रिपुरा जाना हो तो गुवाहाटी से दूर पड़ेगा ना। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट है कि नहीं उसकी बात चल रही थी इसलिए पूछा। कब बना हुआ है उसमें? सबसे पहले ये बना होगा शायद, फिर बाकी बने होंगे। गुवाहाटी का मेरे हिसाब से काफी दिन से है। हाँ, गुवाहाटी में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई, वो तो काफी दिनों से है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेलवे पे। तो यहाँ पे पैक्योंग जो एयरपोर्ट है वही, मतलब उसको बात कर लेंगे, उसको नई रेलवे लाइन से कनेक्ट करते हैं। In Northeast India, there are 12 major domestic and international airports. ठीक है, फिर तो ये पैक्योंग जो एयरपोर्ट है इसको कनेक्ट करने की बात चल रही है। ये रेड लाइन में आप जो देख रहे हो ये न्यू रेलवे लाइन बिछाई गई है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से सिवोक जो है उसको कनेक्ट करेगा रायंग पोर्ट से। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पहले बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। यहाँ कंचन जोंगा, ठीक है, मतलब कंचनजंगा से इससे मिलने से थोड़ा सा नाम रहता है, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग हो गया। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 11th इंडिया का 11th यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो बायोस्फीयर है वो बना था। ठीक है, अभी तो टोटल 12 है शायद। 12 है इंडिया में टोटल, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व 18 है पर जो मैनलैंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें 12 आते हैं। तो ये उसमें सेकंड वो पेंच है ना, और कोई भी रामसर साइट नहीं है, कोई टाइगर भी टाइगर या एलिफेंट रिजर्व नहीं है इस एरिया के अंदर। पर एलिफेंट के कॉरिडोर्स है शायद यहाँ पे, एलिफेंट के मतलब कॉरिडोर्स है, रिजर्व नहीं है। फिर नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं, तो एक ही नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क नाम से ही। ठीक है, तो ये चीज है। एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक बार फटाफट देख लेते हैं, तो क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। तो सिंगबा रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये रोडोडेंड्रॉन जो होता है हमने देखा है कि जो अल्पाइन वेजिटेशन होता है उसके अंदर ये ट्री लोकेट हो रहा है। फिर है फेमबोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंग नॉस्ला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन पंगो लखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बारसी रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़े से अजीब से नाम है बट आई थिंक गेस वर्क लगा के हम लोग कर सकते हैं कि हाँ अगर इस
ये थे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट चलते हैं, तो जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है कंचनजंगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये एक यूनिक फंक्शन है। तो केस के पास मतलब नेचुरल ब्यूटी भी है और मैन मेड ब्यूटी भी इसके अंदर है, इसलिए इसको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। और यहाँ पे सेक्रेड हिमालयन लैंडस्केप है विच इज पार्ट ऑफ इनिशिए विच इज द पार्ट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। इट टैप्स इनटू द स्पिरिचुअल बिलीफ एंड कंजर्वेशन एथिक्स ऑफ लोकल कम्युनिटी टू रिस्टोर एसेंशियल हैबिटेट्स एंड प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज स्नो लेपर्ड्स। तो स्नो लेपर्ड्स हम देखा था जहाँ पे भी ऑलमोस्ट पूरे हिमालयाज में लोकेटेड है, तो यहाँ पे भी लोकेटेड है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये जो इनिशिएटिव है सेक्रेड हिमालयन लैंडस्केप ये लॉन्च किया गया था बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। नेक्स्ट कल्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिख जो बुद्धिज्म है उसका काफी इन्फ्लुएंस है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कल्चर पे भी इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखो रुमटेक मोनेस्ट्री, ऑल्सो नोन एज धर्म चक्रा सेंटर, सीट ऑफ ग्याला करामापा, होम टू मॉन्क्स कम्युनिटी, द प्लेस वेयर दे परफॉर्म सेक्रेड रिचुअल्स, प्रैक्टिस द कर्मा कयुगा लिनिएज। तो हमने मतलब बुद्धिज्म में हम देखते हैं कई इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, अपना ही एक सेक्ट चला रहे होते हैं, जैसे दलाई लामा है, तो दलाई लामा ऐसा नहीं है कि सारे बुद्धिज्म के वो होली फिगर है, उनके अंदर भी कुछ एक स्पेसिफिक लोग ही हैं जो उनको मानते हैं, ठीक है। शायद नाम श्रृंग पता नहीं कुछ ऐसा करके डायनेस्टी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, तो वो उस चीज से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो रुमटेक मॉनेस्ट्री हो गया, देन नेक्स्ट थांग का पेंटिंग या थांग का पेंटिंग हम पढ़ते हैं, THANGKA हम से भी पढ़ते हैं, कभी थांग टा भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अरे नहीं थांगटा और थांगका में वो मत करो कंफ्यूज, थांगटा जो है वो मार्शल आर्ट है मणिपुर का। हाँ थांगटा मार्शल आर्ट भी है उसका। फिर थांग का पेंटिंग जो है वो डिपिक्ट करता है लाइफ स्केचेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ऑक्यूपाई अ प्री डोमिनेंट प्लेस इन मोनेस्ट्रीज एंड होम्स। मटेरियल यूज आर स्टोन कलर वेजिटेबल डाई टुगेदर विद गोल्ड डस्ट एंड गोल्ड थ्रेड यूज फॉर टेपेस्ट्री, ठीक है। गोल्ड कलर का काफ़ी अच्छा यूज देखने को मिलता है, तो मोस्टली बुद्धिस्ट थीम की पेंटिंग्स रहती हैं थांग का पेंटिंग। नेक्स्ट इज भूमचू फेस्टिवल, भूमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ताशिंगडिंग मॉनेस्ट्री, इट इज सेड दैट टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ भूमचू वाटर एनलाइटमेंट इज अचीव्ड एंड ऑल द इविल स्पिरिट्स एंड डिस्ट्रेस आर रिमूव्ड। तो ये रहा भूमचू फेस्टिवल। फिर हमने एक लोसुर फेस्टिवल पढ़ा था ना रिसेंटली, लोसर जो होता है वो बेसिकली न्यू ईयर होता है बुद्धिज्म के अंदर, तो वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सर टिबेट के बुद्धिज्म को लामाइज्म बोलते हैं, लामा दलाई लामा के नाम पे क्या? हाँ मतलब वो उसका सर ने उसने लिया होगा लेकिन नाम तो लामा है, मतलब सेंटर फिगर वो रहता होगा इसलिए उसके नाम पे रखा जाता है। दलाई लामा तो एक पद है ना, तो ये था इसके बारे में। ट्राइब्स पे आ जाते हैं, तो लेप्चा भूटिया एंड नेपाली ये ट्राइब्स हैं। सो लेप्चा के बारे में देख लेते हैं, मोस्टली एग्रीकल्चरलिस्ट एंड नोन फॉर देयर यूनिक
वीविंग एंड बास्केटरिंग स्किल, ठीक है, तो यूनिक इनका कपड़े जो बुनना है उसका स्किल है, और बास्केट बनाने का। पॉपुलर फेस्टिवल टेंगडोंग लो रूम फाट। रिसेंटली लेपचा कम्युनिटी रिसेंट होम मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन टू लिफ्ट एन 18 ईयर ओल्ड बैन ऑन माउंटेन कंचनजंगा बाय इंक्लूडिंग इट इन ओपन एरिया। ठीक है, ये अंडरस्टूड। किसी को कुछ समझ में आया क्या, ये क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? नेक्स्ट देख लो, भूटिया ट्राइब, हमने बात करी तो वो पेस्टोरल होते हैं ना जो बुग्याल्स पे जाते हैं, तो वो ही है। ये है फॉलोवर्स ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म, नेमली निंगमा एंड कागुया स्कूल। स्कूल से इनका लेना देना है। एंड देन मेन फेस्टिवल जो है लोसर, तो लोसर हमने हमने बात किया था, वो न्यू ईयर होता है ना, तो कई चाइनीज मूवीज में अगर आपने देखा होगा ना, तो उसमें वो शेर बन के दो लोग चलते कूदते रहते हैं, तो लोसर जो फेस्टिवल होता है उसमें वैसा करते हैं वो लोग। ठीक है, ड्रैगन भी एंड करता है, देखो क्या, ड्रैगन भी रहता है ना एक। हाँ ड्रैगन और शेर वैसा पैटर्न रहता है। अच्छा ये जो ये लेपचा है उसका शायद वो लोग कैटल हर्डर वगैरह होंगे, उनको मतलब चराने के लिए जगह नहीं, ये किया होगा शायद उसके लिए होगा शायद। हाँ मेबी। शायद मे भी। फिर ये भुटिया के बारे में बात कर लेते, तो ये रिकग्नाइज की गई है स्केड्यूल ट्राइब्स इन सिक्किम वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, ये तो काफी जगह लोकेटेड है। देन नेपाली आ जाते हैं, तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। एंड इंट्रोड्यूस टेरेस फार्मिंग इन द स्टेट, और कार्डेमम की जो खेती होती है वो यही करते हैं। ठीक है, और हमने ट्रीटी ऑफ सगौली पढ़ी थी ना, लेपचा हाँ ट्राइब लेपचा ट्राइब करती है ना, इसका लेपचा ट्राइब है ना। लेप्चा ट्राइब है। तो बेसिकली क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ सगौली पढ़ा था ना हमने, तो उसमें हमने देखा था कि नेपाल का जो रीजन है, जो गोरखा किंगडम होता था, उसका एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो वेस्ट में तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ओलंपिया धुरा और काला पानी और लिपुलेख, वो तीन एरियाज जो थे उनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि वो ये सोच के कि एक्चुअली में काली कहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में भी उसकी बाउंड्रीज जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। पहले सिक्किम नेपाल के अंडर ही आता था, बाद में उन्होंने उसको सेपरेट किंगडम बनवा दिया। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो इसलिए नेपाल इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे। एंड प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लिंबू एंड तमांग कम्युनिटी इन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट है इसके बारे में। देन नेक्स्ट आ जाओ, वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई को वापस देखा गया है, तो ऑलमोस्ट 120 साल के बाद इस बटरफ्लाई को वापस देखा गया है, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले ये देख ऑलमोस्ट 120 साल तक कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, साइंटिफिकली नोन एज लेते नाइसिटेला। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो कि स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई है। फिर एंडेमिक टू ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इसके बारे में इन्फो था। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये रेड पांडा की। तो ये रेड पांडा ऐसा दिखता है, और फाउंड इन सिक्किम इन वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश दार्जिलिंग एंड पार्ट्स ऑफ मेघालय। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ही लोकेटेड है, बाहर ज़्यादा लोकेटेड नहीं है, और थोड़ा बहुत चाइना और जो भूटान है उस रीजन में भी मिलता है ये। तो क्लोजली एसोसिएटेड विद द माउंटेन फॉरेस्ट विद डेंस बैम्बू थिकेट। ठीक है, तो ऐसे ही इलाकों में रहता है, इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड है इसका ज्योग्राफिकल रीच। एंड इट इज बैम्बू पोस्ट मिलता है फ्रॉम तो वो मिलता है। ये, हाँ वो बड़े वाला जो पांडा होता है उसकी तरह इसको भी बैम्बू पसंद होता है, तो इसलिए वही मिलता है। और इट इज पोस्ट फॉर मीट
एंड फॉर यूज इन मेडिसिन एंड एज अ पेट। ठीक है, तो शक्ल में थोड़ा सा क्यूट है इसलिए कई लोग इसको पेट भी रख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली कुछ ये चीजें न्यूज में थे, उनको देख लेते हैं। तो GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें पता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी तेजी से पिघल रहे हैं, और इसी का एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर लेक्स बन गए। मतलब ग्लेशियर पिघल गया और उसकी जगह लेक बन गया। ठीक है, तो वो पहाड़ों के ऊपर जो है वो लेक्स बन के तैयार हो गए ऐसे, और वो मतलब उनमें पानी भरता जाता भरता जाता भरता जाता, और एक लिमिट पे वो मतलब जो उसकी जो नेचुरल बाउंड्री बनी होती है उस डिप्रेशन की या उस लेक की जो नेचुरल बाउंड्री होती है वो टूट जाती है उस पानी के प्रेशर से, और फिर वो एकदम से सारा पानी धड़ाम करके नीचे आ जाता है। डाउन स्ट्रीम में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो अभी हमने उत्तराखंड में जो वो डिजास्टर देखा था उसमें भी कहीं ना कहीं यही बोला जाता है कि कोई ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हुआ था और उसी का कारण है कि वो एकदम से पानी इतना ज्यादा आ गया। तो फ्लड्स कॉज ड्यू टू आउटबस्ट ऑफ ग्लेशियल लेक्स, एंड इन्हीं को GLOF कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड। एंड साउथ लोनक लेक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लेक आउट ऑफ द 14 पोटेंशियली डेंजरस लेक ससेप्टेबल टू GLOF इन सिक्किम हिमालय रीजन। ठीक है, तो मतलब हिमालयन इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत ही डिजास्ट्रस सिचुएशन है ये GLOF। ठीक है, एंड देन बात करते हैं रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम की। इट हैज बीन सेटअप इन द सिक्किम दार्जिलिंग बेल्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। अर्लियर इंस्टॉल्ड लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम इन केरलाज मन्नार डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज है, और इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो नोडल एजेंसी रहेगा, वो एक डिपॉजिटरी तैयार करेगा लैंडस्लाइड की और उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, तो मोस्टली लैंडस्लाइड का ऐसा कोई प्रिडिक्शन तो नहीं हो पाता, बट उस चीज को थोड़ा सा ये करने के लिए कि हम बेटर उसमें से कुछ डेटा निकाल सकें उसके लिए ये रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। ये उत्तराखंड में भी बनाया था ना GLOF। GLOF, हाँ, ये तो मतलब जितने भी ये हिमालयन रीजन है ना उसमें कहीं ना कहीं बनता जा रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से डिजास्टर है, मतलब एक आने वाला डिजास्टर है। एग्जैक्टली वो तो नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे लेक्स बनने जा रहे हैं और वो ओवरफ्लो होते होते एक दिन होगा कि वो उसकी नेचुरल बाउंड्री टूटेगी ना, तो एकदम धड़ाम से पानी ज्यादा आ गिरेगा उसमें से, और फिर वो बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर कुछ रिसेंट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो वन फैमिली वन जॉब की एक स्कीम ये लेके आए थे कि ये फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री के अंदर टू कैरी आउट सच एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। तो स्कीम के अंदर बेसिकली क्या है, हर मेंबर ऑफ एवरी फैमिली विच डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम ऑल लोन डेट्स इन द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वुड बी रिवोक्ड। तो जितने भी लोन वगैरह हैं फार्मिंग सेक्टर के अंदर उनको माफ कर दिया जाएगा। फिर आता है मिथनी रिलेशनशिप। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम गेव फॉर्मल अप्रूवल टू ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिजर्विंग ट्री बाय इंकरेजिंग पीपल टू फॉर्ज रिलेशनशिप ऑफ ब्रदरहुड और सिस्टरहुड विद द ट्री। इसको ये मिथ या मिथनी नाम दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड मतलब मित्र या दूसरा सहेली बोलेंगे तो वो अपने अपने हिसाब से देख ले। ठीक है, सो अडॉप्टिंग अ ट्री एज हिज और हर ओन चाइल्ड इज कॉल्ड एज अडॉप्टेड ट्री एंड प्रिजर्विंग ट्री इन रिमेम्बरेंस ऑफ द डिपार्टेड रिलेटिव इज कॉल्ड एज स्मृति ट्री। तो ये था इसके बारे में। राइट, सो विद दैट वी आर डन विद दिस, इनकम्प्लीट हो गया। जो कुछ ऐड करना है इसमें? वो 1 नोट वाले में कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा क्या?
देख लो। या भाई वो बायोस्फीयर रिजर्व में कंचनजंगा हीरा, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या था? एस्टैब्लिशमेंट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000, ठीक है। तो सिक्किम का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड है कंचनजंगा, एंड इसके बारे में और तो जो ब्लू देखना। पार्ट दिख रहा है वो ना, हाँ, ब्लू पार्ट तो पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल एंड सिक्किम, ठीक है। और फिर हमने ट्राइब्स देखी थी तीनों, लेपचाज, भूतियाज एंड नेपालीज, ठीक है। लेपचाज जो है ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट ट्राइब रिपोर्टेड फ्रॉम सिक्किम है। भूतियाज का तिब्बतियन ओरिजिन है, और नेपालीज जो है वो भी ट्राइब है जो कि मैक्सिमम कार्डमम उगाती है, ये जो फार्मिंग करती है वो नेपालीज ट्राइब है 70% उनमें। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि मैन एरिया जो नेटवर्क है, मैन एरिया बायोस्फीयर जो नेटवर्क है उसका पार्ट है कंचनजंगा, और 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका दर्जा इसको मिला था। फिर बात कर रहे थे एनिमल्स की, तो वाइट बेलेड मस्क डियर यहाँ पे लोकेटेड है, तो मस्क डियर हमने देखा था एंडेंजर्ड है। फिर स्नो लेपर्ड यहाँ पे लोकेटेड है जो कि बेसिकली वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, एंड रेड पांडा इंडेंजर्ड देखा था। नीलगिरी तार, तो नीलगिरी तार जो है वो नियर साइटेड नीलगिरी है। नहीं, हिमालयन होगा। ओ सॉरी, हिमालयन, वो नीलगिरी तार तो उधर है तो वो इंडेंजर्ड है, ठीक है, मालाबार रीजन में नीलगिरी में, ठीक है। तो रिवर है यहाँ से फ्लो करती है तीस्ता, ठीक है। और कंचनजंगा वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, जेमू ग्लेशियर में से ये जो तीस्ता रिवर है ये फ्लो करती है। सो दैट्स इट इसके बारे में। नेक्स्ट नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। हो गया ठीक। वो नेशनल पार्क भी हमने उसी सेम नाम से एक ही देखा था। सो सिचुएटेड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। कंचनजंगा ऑल्सो नोन एज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज अ नेशनल पार्क एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन सिक्किम, नेम्ड आफ्टर कंचनजंगा माउंटेन, ठीक है। वेजिटेशन ऑफ द पार्क की बात करें तो वो टेम्परेट ब्रॉड लीफ है, मिक्स फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओक्स, फर, बर्च, मेपल, विलो, अल्पाइन ग्रासेस, स्क्रब्स एंड हायर एल्टीट्यूड अलोंग विद मेनी मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स आर लोकेटेड। इस नेशनल पार्क के आसपास इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है ये लेप्चा ट्राइब है। स्पीशीज हमने देखा मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन तार, डोल, डोल हमने देखा था वो कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता कह सकते हो, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी था तो इसलिए थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है ढोल का याद रखना। देन स्लॉथ बेयर, विब्रिज, हिमालयन ब्लैक बेयर, रेड पांडा, तिब्बतियन वाइल्ड एस, हिमालयन ब्लू शीप, सेरो, गोरल एंड टाकिन, ठीक
हमने एक मिशमी टाकिन देखी थी वो अरुणाचल एरिया के अंदर, वो क्रिटिकली डेंजर थी। तो मतलब ये टाकिन जो है बकरी होती है, ठीक। फिर वो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड थोलुंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन द बफर जोन, और जेमू ग्लेशियर भी यहाँ पे लोकेटेड है जिसमें से तीस्ता रिवर फ्लो करते हैं। दैट्स इट अबाउट सिक्किम। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें सिक्किम में? नहीं।